ये देख वही इसकी आंखें लाल हैं। पाउडर की लाइनों का रखेगा कौन हिस्सा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया हो गया। सबसे पहले वेलकम टू द ब्लॉग। दिन के बज रहे 8:30 एंड अभी जस्ट उठा हूँ थोड़ी देर पहले ही। एंड रात को यार एसी में सो रहे थे तो थोड़ा सा जुखाम लग गया एंड बस थोड़ी भारी भारी सी हो गई है। एंड अभी पापा आए थे, पापा ने 3-4 वार्निंग दे दी हैं कि पानी चला जाएगा, नहा ले। पानी आ रहा है अभी भी, सो नहा लेता हूँ इससे पहले कि गालियाँ पड़ जाए। सो लेट्स बिगिन विद द ब्लॉग। गाइस, काजल बना रही है आज क्या? ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही है। देखिए हमारे लिए ये कच्चा है और यहाँ पे तरे हुए हैं इसने ब्रेड पिज़्ज़े अपने। ये देखिए बैटर, इसमें क्या क्या डाला है काजल? सूजी और दही। और अगर आपकी भी सूजी, मतलब आपके पास भी सूजी है, बकवास करिए तो आप भी ब्रेड पिज़्ज़ा बना सकते हैं। देखिए इतने प्यार से लगाएगी ये। नहीं हूँ इट भी तेरी बेइज्जती कर दूँ किस अखा कटन दी। गाइस ये आंखें निकाल रही है, मैं दिखा नहीं सकता आपको क्योंकि इसने आज सेंसर किया है अपने आप को। बहुत गलत भद्दी लग रही है दिखने में, वैसे भी लगती है डेली बट आज कुछ ज़्यादा लग रही है। तो गाइस बन गया, देखिए जा खा अपना। गाइस बचपन से शौक था मुझे कि मेरे को मकड़ी काटे और मैं स्पाइडरमैन बन जाऊं। फाइनली मेरे को वो मकड़ी मिल गई है जो मुझे स्पाइडरमैन लगी। तो क्या कहते हो, कटवा लूं? कुछ भी। साहिल लेके आ रहा है गाड़ी एंड गेस्ट व्हाट, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी नहीं, हम गेड़ी मारने जा रहे हैं कि तो गाइस हम जा रहे हैं कहीं भी नहीं, हम गेड़ी मार रहे हैं गड्डी पे क्योंकि गाड़ी को निकाले हुए काफ़ी टाइम हो गया था, 20-25 दिन हो गए थे। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी गेड़ी शाड़ी मारी जाए। 15-20-25 दिन ज़्यादा हो गए पापा, इतना ही टाइम नहीं। मैनू, मैं लास्ट टाइम कोमल लग गया। आसमान देखिए काफ़ी नीला नीला, पेड़ हरे हरे जैसे कि होते हैं। क्लियर है वेदर आज, वेदर क्लियर है, एयर क्वालिटी वधिया होनी है। वेदर फोरकास्ट करना है पता उस गड्डी से। शाम के बज रहे हैं 6:30 एंड आई एम हेडिंग टवर्ड्स अपने दोस्त के घर, प्रणव के घर जा रहा हूँ मैं। सो यार शाम को सैर तो करनी थी एंड मैंने सोचा वाई नॉट सैर विद आर पार्टनर। सो अभी मैं उसके घर जा रहा हूँ, मैं और प्रणव आज थोड़ी गेड़ी छेड़ी मारेंगे। ऑल दो 5 बजे के बाद लॉकडाउन है बट कोई फॉलो नहीं करता रूल ये यहाँ पे, बिकॉज सिर्फ मेन रोड्स पे पुलिस खड़ी होती है, अदरवाइज तुम अंदर गलियों में घूमो जितना मर्जी। 5 minutes later तो गाइस अब आए हैं हम यहाँ RCF लेक में, काफ़ी दिनों बाद खुली है एंड यू कैन हैव अ लुक। फवारे चल रहे हैं एंड आगे बढ़ते हैं। लाइटिंग लूटिंग अभी सेटअप हो रही है, देखिए हरियाली। वहाँ आपको थोड़े जिराफ वगैरह देखने को मिलेंगे, नहीं असली नहीं है, नकली हैं बट स्टिल। बत्तियाँ छत्तियाँ जग गई हैं जी, ये रहे हमारे दो शेर। चलिए चलते हैं, वहाँ पे बैठे। अच्छा यहाँ हुआ करती थी बोटिंग पर गंदी हुई है देख के इतनी। अब हम जा रहे हैं ऊपर लक्ष्मण झूले पे। तो गाइस देखिए अब हम पहुंच गए ऊपर, वो रही सील, उस सील पे पेंट हो गया भाई। इस पुल पर 1 से 2 व्यक्ति अधिक ना चढ़ें, किसी ने ना हटा के सीधा लिख दिया अधिक चढ़ें, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। ऑलरेडी व्यक्ति हैं दो हैं, हम 2 और चढ़ रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं लक्ष्मण झूले पर।
प्रणव कैसा लग रहा है? कितने दिनों बाद लेक खुली है? बहुत बड़े दिन बाद खुली है, पर पहले वाला सही होता था। अब ये लोहे के डाल देना नीचे। अब हम आपको दिखाते हैं अपने देश के वीर जवानों से, वो रहा टैंकर। यहाँ टूटे वूटे जोड़ दिए गए हैं, और ये दिखाते हैं, हम मिलाते हैं अपने देश के वीर जवानों से। हाय सोल्जर, कैसे हो? वो देखिए ये जंग में लड़ा था बेचारे की बाजू चली गई। एनी हाउ ब्रेव सोल्जर, वो रहा इंडिया का झंडा। जय हिंद। हम मिलते हैं अपनी फेवरेट सील से। कैसी हो सील? और बढ़िया चल रहा सब? जवाब नहीं दे रही यार, एटीट्यूड मार रही है। आओ जी आपको मिलवाते हैं नन्हे नन्हे रैबिट से। हाय रैबिट, खिलाएं कुछ? ये देखिए इनको दाने डाले हैं, हर तरह के रैबिट्स मिलेंगे आपको। ये लीजिए, इनकी तो ग्रुप पार्टी हो गई, एक डंडी खिलाई इनको। वही इसकी आंखें लाल हैं। पाउडर की लाइनों का रखेगा कौन हिस्सा? पत्ता। ये देखिए अब हम खिलाएंगे इनको पत्ता। खा भाई, खा लिया। दोनों के बीच में लड़ाई, देखिए दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है, कौन पहले खाएगा? भाई मुझे लगा बाहर आगे निकल गया। उसने मिट्टी भी चाली थी तो ऐसे ही मिट्टी भी इकट्ठी आई थी। पौधे भागा, एक इनका खेल हम खेल हो रहा है। खेला हो बे। रैबिट ये खाएगा। वो देखो लेके अपने नाश्ता फरार हो गया। मुंह काला करा के आया शेर, पता कैसा शेर है रे तू। हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद आवर यूपीएससी बाय सागर सेगमेंट एंड फर्स्ट न्यूज कमिंग फ्रॉम द सॉकर वर्ल्ड। जी हाँ, तो आप लोगों ने हाल ही के दिनों में रोनाल्डो एंड कोक कंट्रोवर्सी के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना तो मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि रोनाल्डो ने क्या किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सामने दो कोक की बोतल पड़ी थी, उन्होंने कोक की बोतल को साइड करके वाटर की बोतल को रेस करके कहा कि ड्रिंक वाटर। तो सिंपल क्लियर मैसेज था टू स्टे हाइड्रेटेड, बट रोनाल्डो की ये हरकत कोक को बहुत भारी पड़ी एंड कोका कोला को नेक्स्ट डे अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में 4 बिलियन का डाउनफॉल देखने को मिला, 4 बिलियन का। तो यार कोका कोला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रोनाल्डो से सिर्फ एक ही बात बोल रहे होंगे कि तुम्हारी इस एक गलती से कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काफी दुविधा में है, असमंजस में है। तो मेरी कुछ सजेशन है कोका कोला की मार्केटिंग टीम को, कोका कोला इफ यू आर लिसनिंग तो जरूर सुनना। पहली सजेशन कि आप क्या कर सकते हैं, आप रोनाल्डो को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लें, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सेकंड सजेशन कि रोनाल्डो ने क्या किया, वाटर को प्रमोट किया है, तो कोक वाटर ले आओ, और क्या कर सकते हो इसके अलावा, आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज रोनाल्डो ने जो किया है दैट वॉज द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर। तो अब नेक्स्ट इन आवर सेगमेंट इज द न्यूज कमिंग फ्रॉम इटली। दैट उससे पहले किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था कि इट्स नॉट व्हाट यू लुक That's important. It's what you see through it is important. So, इस चीज़ को किसी ज्ञानी पुरुष ने ज़्यादा सीरियसली ले लिया। तो वो एक ज्ञानी पुरुष एक इटली का एक आर्टिस्ट था जिसने एक जगह, मतलब खाली जगह को, इतनी सी जगह को, नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ को बेच दिया। मतलब उसने, ये बंदे ने ये कह के बेचा कि इस पर्टिकुलर इतनी सी जगह में एक एनर्जी है एंड जो लोग इसके थ्रू देख सकते हैं उसको कुछ दिखेगा इसमें, एंड किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, सब के सब बेवकूफ़ थे। एंड एक सबसे बड़ा बेवकूफ़ था जिसने वो नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ जहाँ कुछ भी नहीं है उस चीज़ को उस बंदे ने $18,500 में खरीद लिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सो नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज कमिंग फ्रॉम यूपी, एंड हमारा यूपीएससी बाय सागर सेगमेंट अधूरा है कि कोविड से रिलेटेड कोई न्यूज ना हो तो। सो यूपी में क्या हुआ कि एक अंकल अपनी फर्स्ट वैक्सीन लगवाने गए, फर्स्ट डोज ऑफ द कोविड वैक्सीन। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहली वैक्सीन लगवा ली एंड नर्स ने क्या किया, साथ में ही दूसरी लगा दी, मतलब एक साथ दो डोज दे दिए अंकल को। सो अंकल का फर्स्ट रिएक्शन तो मैं समझ सकता हूँ कि अंकल का पहला रिएक्शन तो ये होगा, पागल औरत, तुझे अक्ल है?
सो अंकल से किसी ने पूछा कि ये कैसे हुआ कि मतलब आपको दो वैक्सीन कैसे लगा दी नर्स ने, तो अंकल ने बताया कि मैंने पहले एक वैक्सीन लगवाई तो नर्स फ़ोन पे बात करने लगी और उसने दूसरी भी चढ़ा दी। चलो जी अंकल का तो हो गया, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। सो यार आई एम कन्फ्यूज एंड आई एम श्योर कि जिन अंकल को ये लगी है तो वो भी कन्फ्यूज होंगे। तो क्या अंकल हाफ वैक्सीनेटेड हैं या फुली वैक्सीनेटेड, कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है मुझे। So that's pretty much it for the UPSC by Sagar segment. Moving on to the recommendation by Sagar segment. So आज की recommendation है Z5 की Sunflower series and Sunil Grover की यही series and it's a unique mystery series. So ज़रूर देखना, मैंने पहले 3 episode देख लिए हैं and I am loving that series. आप भी ज़रूर देखना and देख के मुझे बताना कैसी लगी आपको। So that's pretty much it for the vlog guys. I hope you guys doing well. आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान ज़रूर रखिए, मौका लगते ही वैक्सीन जरूर लगवाइए, एक ही लगवाइए एक टाइम पे, अंकल की तरह दो मत लगवा लेना। सो वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड उसके बाजू में जो घंटी है उसको दबाना तो मत ही भूलना। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम सी यू अराउंड।